हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि शाम को 7 बजे 8 बजे से दोस्तों आपकी एनटीपीसी की जो स्पेशल क्लास है साइंस की, वो चलेगी। दोस्तों, इस क्लास में हम जो है साइंस के उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो पहले हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, अर्थात 10 सेट है, 10 सेट पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट में आ जाइए। दोस्तों, एक बार कमेंट में आ जाइए, जो बच्चे एयरफोर्स के लिए हैं उनको भी इसमें साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि एयरफोर्स में जो साइंस पूछी जाती है वो बेसिक साइंस पूछी जाती है और वो चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए सब लोग। मुकुंद, भवानी राठौर, नील प्रताप, एक बार सभी लोग कमेंट में आइए। नितेश कुशवाहा, कमेंट में एक बार आइए। और देखिए, आज की जो क्लास है आपकी, आज की जो क्लास है वो विवेक जी लेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि विवेक जी जो है बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ये है कि लाइव आज तक वो नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उनको मैंने कहा कि आप लाइव आकर के पढ़ाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक दो वीडियो पहले जो है स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बच्चों को मैं लाइव पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो है आज एडजस्ट करिएगा और उनको इतना प्रेम और स्नेह दीजिएगा दोस्तों कि वो अगला वीडियो जरूर बनाएं। और आज की वीडियो में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा क्योंकि आज उनका भी पहला दिन है और आपका भी उनके साथ पहला दिन है दोस्तों। तो लैंग्वेज, जब तक आप अपने टीचर की लैंग्वेज से जुड़ेंगे नहीं दोस्तों, तब तक आपको अपने टीचर में मजा नहीं आएगा। अर्थात अभी आप उनसे जुड़िए और एक दो क्लास में आप उनसे अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे और तब आपको पढ़ने में और मजा आएगी। दोस्तों, मैंने कहा कि एग्जाम नजदीक है, पढ़ना आपको है और पढ़ाना हम लोगों को है और हम लोग आपके लिए लगातार वीडियो पे वीडियो लाएंगे। दोस्तों, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम विवेक जी की स्क्रीन पर और विवेक जी अपनी स्क्रीन से देखिए आपको बताते हैं आगे का जो आपकी क्लास है उसके बारे में। साइंस स्पेशल क्वेश्चन अर्थात आरआरबी एनटीपीसी, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए शुरू करते हैं विवेक जी की स्क्रीन पर ले चल के आपको। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक साइंस प्रैक्टिस सेट 1। ये खास एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। एयरफोर्स वाले में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 मार्च, बी है 24 मार्च, सी है 24 मई और डी है 28 मई। तो तब तक दोस्तों आप बताइए कमेंट में क्या है, मैं देख रहा हूँ। और उससे पहले शेयर भी कर दीजिए, और जब तक नहीं बोला जाता आप लोग करते नहीं हो, कर दीजिए शेयर। और इसका आंसर तब मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। और नंबर दो क्वेश्चन तब तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, किसी तत्व के परमाणु भार द्वारा भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं कमेंट में देख रहा हूँ, सभी लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा सी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कार्बन होगा, मैं जैसे कमेंट में देख पा रहा हूँ। कार्बन होता तब, क्योंकि परमाणु भार की परिभाषा कहती है कार्बन 12 सी 12 के 1/12 भाग से तुलना की जाती है, और हाइड्रोजन के 1.088 से कितना गुना भारी है ये तुलना की जाती है। तो यहाँ कार्बन 12 लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर सही जवाब होगा हाइड्रोजन। और तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है?
आप सब बताइए, जिसको जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करते रहिए रहा करिए। ऑप्शन ए 10 किलोलीटर, 10 लीटर, बी सी 100 लीटर, डी 10 सेंटीलीटर। तब तक आप कमेंट में बताइए। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसे यूनिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले लिख लेते हैं ट्रिक में, पहला आता है किलो, दूसरा आता है हेक्टो, फिर आता है डेका, तीसरा आता है फिर इकाई, आगे इकाई मतलब यूनिट कह सकते हैं, यूनिट के बाद आता है, फिर आता है डेसी, डेसी डेसी के बाद आता है सेंटी, फिर आता है मिली, मिली। पेन नहीं चल रही है, आप नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन रखिए अपने साथ में सभी लोग। तो इसमें 10-10 का अंतर होता है, 10-10 का आंसर होता है। पूछा गया है एक डेका लीटर बराबर कितना होता है, तो एक डेका के बाद यूनिट आता है, यूनिट यहाँ लीटर है, लीटर है, तो एक डेका लीटर बराबर कितना लीटर हो गया, 10 लीटर। किलो लीटर होता तो यहाँ डिवाइड बाई 10 होता, आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये अगर उल्टा आते हैं तो डिवाइड बाई 10 होता, आगे बढ़ते हैं तो गुणे 10 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब तीसरे का होगा, तीसरे का सही जवाब होगा 10 लीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। नंबर 1 है गैलीलियो ने, नंबर 2 कॉपरनिकस, नंबर सी है ऑप्शन आइजैक न्यूटन, डी है जे कैपलर। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए, गैलीलियो ने, नंबर ए। जिसको जिसको पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें। नंबर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है इयान फ्लेमिंग, बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी स्टीफन हॉकिंस, डी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जैसा कि आप जानते हो डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहम बेल ने किसका फ़ोन आविष्कार किया था, इन्होंने किया था टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन का। और ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर इसका, उन्होंने पेंसिलिन का आविष्कार किया है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमनियाँ धमनियाँ क्वेश्चन नंबर 6 है अगला क्वेश्चन, धमनियाँ रक्त वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ मतलब आर्टरीज रक्त वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, किससे। नंबर ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी टॉक्सिन, डी लिपिड्स, किससे भरी होती हैं। आप जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट सबका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ऑक्सीजन के द्वारा ही खून हृदय तक पहुँचाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है। ऑप्शन ए कह रहा है आँखों को ढकना, बी मस्तिष्क को छवि व संदेश भेजना, और ऑप्शन सी है आँखों की फोकल दूरी को बदलना, डी चोट से आँखों की सुरक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँखों की फोकल दूरी। क्या करता है लेंस, क्या करता है, जब भी हम दूर की वस्तु देखते हैं तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है लेंस, और आप पास की वस्तु देखते हैं तो अपने आप को उसकी फोकल दूरी एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप कभी देखें अपनी आँख में अगर प्रकाश लाइट डालें, अपनी आँख में अगर आप लाइट डालोगे तो उसकी जो बाहर की एक ब्लैक ब्लैक बनी है वो छोटी बड़ी होती रहती है, तो वो फोकल दूरी जो है एडजस्ट करती है, और लाइट का भी कम करती है और ज़्यादा करती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस क्या होता है, नेचुरल गैस, मार्स गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोपेन,
प्रोपेन का क्या सूत्र होता है? C3H8 होता है, इथेन, ऑप्शन बी। इथेन का क्या होता है? C2H6। ऐसे कभी कभी लिखा रहता है कि ऐसे को अगर इसका फॉर्मूला लिखा रहा, नाम ना लिखा रहा, तो आप C2H6 लिखा रहेगा। ऑप्शन सी है मीथेन, मीथेन का होता है CH4। ऑप्शन डी ब्यूटेन, C4H10। तो अगर आपको यहाँ नाम ना लिख के उसका फॉर्मूला भी लिखा रहे तो आपको पता होना चाहिए मास गैस मीथेन को कहते हैं। सही आंसर है मीथेन। और मास गैस नेचुरल गैस जो होती है जब जीवाश्म जो है पृथ्वी में बहुत दिन तक रहते हैं और वो उसी में सड़ के गैस बन जाते हैं, तो मीथेन गैस वहाँ से निकलती है, इसे ही मास गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नौवा क्वेश्चन है, यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, माफ कीजिएगा, ये नौवा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार से फिर से पढ़िए। नौवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा, क्या होता है? तो इसका जैसे हम जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर वेग वी अपॉन आवृत्ति एफ। तो जब यहाँ देख रहे हैं लेमडा का क्या है, लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है। अगर फ्रिक्वेंसी मतलब कि अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। तो बोल रहा है आवृत्ति अगर बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ए बढ़ती है, बढ़ती बढ़ जाएगी, ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है? एक समान रहता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी कह रहा है कि यह घट जाती है, तो यही है ऑप्शन सही आंसर, और दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, ये तो गलत ही है। और ऑप्शन, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? नंबर एक हृदय रोग, दो गुदे की विफलता, सी कैंसर, डी हेपेटाइटिस सी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हृदय रोग के लिए ज़्यादातर अगर कोई उपचार होगा तो उसमें कार्डियक नाम से होगा, माफ कीजिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हृदय रोग की उपचार है कोई तो उसमें कार्डियक नाम होगा, कार्डियक से कुछ स्टार्ट होगा। और बाकी इसका सही आंसर है कैंसर। कीमोथेरेपी का जो इलाज होता है, कैंसर का जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी विधि द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। चेचक मतलब इंग्लिश में जो हम कहते हैं चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए है वेस्ट नाइल, ऑप्शन बी है वेरिसेला, ऑप्शन सी है हर्पस सिप्लिक्स, ऑप्शन डी है राइनोवायरस। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग ऐसे कैसे चलेगा, आप देखते रहिए, बताइए इसका आंसर, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तब इसका सही आंसर है, जी हाँ कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेरिसेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन, ए ऑप्शन, बी ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन ओजनीकरण, डी होता है ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्युत विघटन। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए, जल्दी जल्दी इसको देखिए। ऑप्शन ए इसका विद्युत विघटन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? इसमें ऑप्शन ए नींबू, बी शिमला मिर्च, सी आलू, डी टमाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शिमला मिर्च। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप विज्ञान मतलब फाइटोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक साइंस, जो भी एयरफोर्स वाले तैयारी कर रहे हैं या NTPC RRB वाले रेलवे वाले तैयारी कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं, 30 क्वेश्चन कराएंगे। आप ध्यान से हमारे साथ आप लगे रहोगे तो एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए सारे दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मैं पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन सारे पढ़ दे रहा हूँ। मानव शरीर रचना, बी पौधों, सी शुद्ध मात्र की पोसोलॉजी, पोसोलॉजी खुद ही दे दिया गया है,
और मानव मनोविज्ञान ऑप्शन इसमें सारे ऑप्शन पढ़ दिया मैंने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बी, पौधों, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। तो इसका सही आंसर पूरा दिख ही रहा है। तो और शुद्ध मात्रिकी में बता देते हैं, जब दवा बनती है पोसोलॉजी, तो कितना मात्रा में क्या मिलाना है उसका अध्ययन शुद्ध मात्रिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। ऑप्शन ए है कांच, बी है कागज, सी है तांबा, डी है पानी। इसका सही जवाब दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बहुत ही आता है, लोग बोलेंगे इसका आंसर गुरुजी डी होगा, डी कैसे होगा, इसका आंसर कुछ बोलेंगे सी होगा, सी कैसे होगा। तो मैं बता देता हूँ, डी आंसर इसका नहीं होगा। अगर पानी की बात की जाए तो अगर उसमें जब तक ना लिखा हो, ऐसे अगर पानी की ना लिखा हो कि ये लवण युक्त है या लवण युक्त नहीं है, तो हम हरदम उसको मतलब कि बिना लवण युक्त मतलब कि आसुत जल मानेंगे, जिसमें लवण नहीं होते, खनिज तत्व तो नहीं होते, आसुत जल मानेंगे। आसुत जल पानी का कुचालक होता है, सुचालक यहाँ आंसर होगा सी, तांबा सुचालक सब ज़्यादा चालक होता है, जब भी नॉर्मल लिखा रहे तो हम आसुत जल ही मानेंगे, यहाँ तांबा है तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण मतलब होता है जो उसका गंदा हो जाता है, उसमें हरा हरा कलर का वो आ जाता है, तो मलिनीकरण उसी को कहते हैं। मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में, बताइए कमेंट करते रहा करिए जल्दी जल्दी। अगर आप एनटीपीसी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप बेसिक जरूर ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड से पीतल क्रिया कर लेता है और हरा कलर छोड़ देता है, तो यही जो है मलिनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सत्रह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत्र नहीं है। ध्यान से, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्रोत्र है स्रोत्र नहीं है, देखेंगे पनीर टिक करके चले आएंगे, हाँ भाई स्रोत है, ऐसा पर ध्यान से देखना है कि जो है इसका सही जवाब क्या होगा और क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ पनीर, और अब बाकी आप पढ़ेंगे नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ध्यान नहीं देखेंगे, और पनीर मिल गया आगे पढ़ेंगे नहीं, काट देंगे, आइए टिक करके चले आएंगे, जल्दी जल्दी नहीं करना, पूरा ऑप्शन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। दिया है नहीं, स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन ए है पनीर, बी कैलाड ग्रीन्स मतलब पालक से संबंधित हरी हरी जो सब्जियाँ होती हैं वो कैलाड ग्रीन्स कहते हैं, पालक तरह की, और अंजीर आप जानते ही हो। नंबर डी है गाजर। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी चीज़ दिखने में सफ़ेद हो तो 20-30%, अगर कोई भी चीज़ दिखने में सफ़ेद हो तो 20-30% जो है वो कैल्शियम का स्रोत होती है। अगर कोई, मैं संभावना बात कर रहा हूँ, सभी में सही नहीं होगा, अगर दिखने में सफ़ेद है जैसे पनीर तो कैल्शियम का स्रोत होगा, सफ़ेद दिखता है, और दूसरा ग्रीन अगर दिख रहा है तो वो आयरन का स्रोत होगा। आप बोलोगे सर इसमें कैलाड ग्रीन्स सही होना चाहिए, आप बोल रहे हो ग्रीन्स मतलब आयरन का स्रोत है तो कैल्शियम का स्रोत नहीं है, तो मतलब सी बी सही होना चाहिए, तो इसका बी सही नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ग्रीन्स कैलाड ग्रीन्स में कैल्शियम भी पाया जाता है और अंजीर में पाया जाता ही है। अगला क्वेश्चन है आप देख लीजिए, 18 क्या है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, और एक मैं पिछले क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 16 था
यहाँ कभी कभी क्वेश्चन नंबर पूछ लिया जाता है कि पीतल, एक बार देख लीजिए, पीतल किस किस धातु से मिलकर बना हुआ, तो किससे बना हुआ है, तांबे से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, प्लस जिंक से बना हुआ है, तांबे प्लस जिंक से बना हुआ है। तो दो धातु मिली हैं, ये मिश्र धातु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु है, आपके दैनिक जीवन में बहुत इसके बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था, नंबर एक टेलीग्राफ, बी दूरबीन, सी टेलीफोन, डी टेलीटाइप, टेलीटाइप या टाइपराइटर, एक ही चीज़ है, टेलीटाइप या टाइपराइटर, एक ही चीज़ है। आप नोट्स बनाते रहिए, मैं इसका डेट बताते जा रहा हूँ, लिखते जाइए कब, अब इसको क्रम से पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले हुआ था, टेलीग्राफ का कब हुआ था, ए ऑप्शन। तो मैं सभी को बता रहा हूँ कि इसका टाइमिंग नोट कर लीजिए, नंबर ए बी सी का, ए है टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का कब आविष्कार हुआ था, 1837 में, 1837 में। एक नोट्स बनाते रहिए सभी लोग, नोट्स नहीं बनाते हैं आप लोग, बहुत ही कंजूसी नहीं, आप नोट्स बनाइए, 2 रुपए की खरीद लीजिए एक, हमारे टाइम पे आती थी कैपिटल, 2 रुपए की आती थी उसी में, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप फटाफट देखिए और आगे बढ़िए, एग्ज़ाम टाइम में एक दिन पहले पूरा रिवीजन। नंबर वी है दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार कब हुआ था, 609 ईस्वी में, 609 में। नंबर सी है टेलीफोन, टेलीफोन का मैंने पहले बता रखा है, ग्राहम बेल साहब ने किया था, इस टेलीफोन का मैंने पहले बता रखा है, इसका है ग्राहम बेल साहब ने किया था, 2 जून 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में किया था। टेलीटाइप या टाइपराइटर, इसका हुआ था 1868 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1609 सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हुआ था, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग का व्यवहार हो गया, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब डॉट डॉट ने विद्युत डायनेमो की खोज की, कहने का मतलब विद्युत डायनेमो की खोज किसने की पूछ रहा है। अब व्यवहार के लोग सोच रहे होंगे व्यवहार क्या है, व्यवहार का होता है मतलब काम करने योग्य, मतलब कि जब बिजली काम करने योग्य बना ली गई तो डायनेमो की खोज किसने की, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है सी माइकल फैराडे ने। फैराडे ने बहुत सारे रूल भी दिए हैं विज्ञान में, आप जान ही रहे हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन और ये सब भी हैं, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, तो इसके बारे में छोड़ते हैं पहले, अभी देखते हैं इसका सही आंसर है माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है, किस कलर का होता है भाई, ऑप्शन ए देखिए सफ़ेद, बी रंगहीन, डी बैगनी भूरे से थोड़ा काला, और डी सी है, सी ऑप्शन बैगनी भूरे से थोड़ा काला, डी है लाल भूरा। तो आप कभी आयोडीन देखे हो तो बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला कलर का होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसके आगे 20 से आगे हमारे पास 20 से आगे आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चन तक हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन तक हैं, तो हम 20 तक सॉल्व करा दिए हैं, बाकी हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पीडीएफ का पासवर्ड हम आपको बता देते हैं, पासवर्ड होगा 4688, 4688। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, और बाकी के अगले वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, आप वहाँ आंसर भेज दीजिए। तो 30 तक आप सॉल्व करिए, 20 तक हमने करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रूर आपसे ज़रूर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और आगे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो लगातार 30 क्लास, 3 क्लासेज चलाई जाएंगी,
आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप डी के लिए 20 सितंबर से डेली 3 क्लासेस 10 बजे, जीएस स्पेशल 11 बजे, मैथ स्पेशल और शाम को 7 बजे रीजनिंग स्पेशल। आप देखना मत भूलिएगा आपके अपने YouTube चैनल द स्पीड स्टडी पर। और एक दोस्त एक बात और बता दूँ दोस्तों, ये जो वीडियो पढ़ाया जा रहा है ये आपके रेफरेंस के लिए है। सेल्फ स्टडी बहुत ही मस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर सेल्फ स्टडी करिए और यहाँ आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। धन्यवाद। और मैं एयरफोर्स स्पेशल लोगों को बता एयरफोर्स वालों के लिए बता दूं, उनकी क्लास तो चल ही रही है जिसमें रोज़ सुबह उनको वो कैब ग्रामर और टेंस पढ़ाए जा रहे हैं और 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद एनटीपीसी वाली चलेगी। तो देखते रहिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए द स्पीड स्टडी को। मैं विवेक साइनिंग ऑफ।